7 महीने के मासूम की हत्या का मामला सामने आया है। पानी की बाल्टी में डुबोकर यह हत्या हुई है। मौके पर पहुंचे जैतारण डीएसपी और एसएचओ पाली जिले के वही बर कस्बे का यह मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पाली जिले के बर कस्बे से, जहां पर 7 महीने के मासूम की हत्या हुई है। पानी की बाल्टी में डुबोकर यह हत्या की गई है और ये निर्मम हत्या और ये तस्वीर हैवानियत की तस्वीर है, जिसमें एक 7 7 महीने के मासूम की हत्या का बड़ा मामला। और आप तस्वीर देख सकते हैं, ये दयनीय तस्वीर है जिसमें 7 महीने के मासूम की बाल्टी में डुबोकर हत्या कर दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस मामले के अंदर डीएसपी और एसएचओ पाली जिले के पहुंच चुके हैं मौके पर और बर कस्बे का यह मामला बताया जा रहा है। पानी की बाल्टी में डुबोकर एक 7 महीने के मासूम की हत्या कर दी गई। मौके पर जैतारण के डीएसपी और एसएचओ पहुंच चुके हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता श्याम शर्मा। शाम एक मासूम की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? जी, ये गुम्बद नंबर की नई कॉलोनी की वारदात है। ये मासूम बच्चा और इसके पिता उगमराज, जो कपड़े के व्यापारी हैं, और ये शाम की घटना है जी। उस वक्त ये बच्चा, अब इसकी माँ शोभा अपने मासूम बच्चे को दूध पिला के पड़ोसी के यहाँ गई थी। घर के कमरे के बाहर कुंडी लगा कर गई थी, बच्चा बेड पे सो रहा था जी। जब वो वापस लौटी तो इस बच्चे का पास के कमरे में, जो 7 माह का बच्चा बेड से उठ नहीं सकता, पास के कमरे में बाल्टी के अंदर ओंधे मुंह था ये। तब ये वो चिल्लाई, पता चला, लोगों ने आसपास चिल्लाने की आवाज सुनी, घर पड़ोसी आए, फिर पुलिस को सूचना दी गई। परिवार का ये आरोप है कि जब इनके या तो किसी पड़ोसी या किसी रिश्तेदार, जिनसे इनकी रंजिश थी, उन्होंने जब घर पे कोई नहीं था तब घर के अंदर कुंडी खोल के अंदर जाके उस बच्चे को उठाया गया, पास के कमरे में ले जाया गया, जिस कमरे में पानी का कोई साधन नहीं था। उस कमरे में खाली बाल्टी में ठंडे पानी, यानी मटके का ठंडा पानी उस बाल्टी में भरा गया, फिर उस बच्चे को उसमें डाला गया जी। फिलहाल किसी गिरफ्तारी हुई है शाम इस पूरे मामले में? नहीं सर, फिलहाल अभी परिवार की हालत बड़ी नाजुक है और कई परिजन बेसुध भी हुए हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात है। इस परिवार में 10 साल से बेटा नहीं था। बहुत भयानक तस्वीरें हैं और बहुत निर्मम हत्या ही है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए श्याम।